अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमज़ान मुबारक। आई होप आपका जो पहला रोज़ा है बहुत अच्छा गुजरा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और ये जो व्लॉग है, बेसिकली ये जो बिफ़ोर रमज़ान प्रिपरेशन होती है, समोसे रोल वगैरह जो बना के रख दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड है। सो एंड तक वीडियो देखिएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं और जो मैंने बनाने हैं रोल एंड समोसे। और रोल के लिए जो है ये वेजिटेबल्स और स्पैगेटीज है, और चिकन मैंने बॉईल किया हुआ है। और इसके बाद जो है उसी जो पानी में मैं थोड़ी सी स्पैगेटीज डालूँगी ताकि वो भी अच्छे से बॉईल हो जाए। और उसके बाद जब बॉईल हो जाएंगी तो इसको मैं मिक्स करूँगी। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। यहाँ पे स्पैगेटीज बॉयल हो चुकी हैं और मैंने इनको ठंडे पानी में रख दिया था और इसके बाद छान लिया है। और अब इसके बाद जो है वेजिटेबल्स जो हैं वो कट करूँगी, और गाजर जो है वो मैंने कद्दूकश की है, और इसके अलावा जो गोभी है वो मैंने कट करी है, और शिमला मिर्च भी मैंने छोटे छोटे जो क्यूब्स टाइप होते हैं उसमें कट किया ताकि जब फिल करते हो तो ईज़िली फिल हो जाए, इतने बड़े पीसेस नहीं करने। अब मैंने समोसा पट्टी और रोल पट्टी लेनी है, दो दो ली हैं ताकि मैं एक ही दफ़ा बना के और फ्रीज़ कर सकूं और बार बार बनाना ना पड़े। सो ये सारी चीज़ें हैं। और जो समोसों के लिए हैं वो आलू भी बॉयल हो चुके हैं। सबसे पहले जो रोल का मिक्सचर है वो तैयार करेंगे, और इसके लिए हमें चाहिए का शिमला मिर्च जो हमने कट करके रखी है, गाजर कद्दूकश किया हुआ, और इसके अलावा जो है सोया सॉस, ये टमाटो चिली सॉस है, उसके बाद सोया सॉस, विनेगर, और चिकन जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है, ब्लैक पेपर है, और सॉल्ट, और जो स्पैगेटीज हैं, जो स्पैगेटीज मैंने बॉईल करके रखी हुई थी वो मैं डालूंगी। और सबसे पहले पैन में ऑयल डालना है। उसके बाद जो हाफ चिकन है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसके बाद जो है इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और ब्लैक पेपर, सॉल्ट ऐड करूँगी। अब इसमें मैंने जो है गोभी डाली है, और इसके बाद जो इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद जो शिमला मिर्च है वो ऐड करूँगी, और गाजर जो कद्दूकश की हुई थी वो ऐड करूँगी, और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जो स्पैगेटीज बॉईल की हुई वो डालूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने डाली थी ताकि वो टूट ना जाए। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा इसका मिक्सचर लग रहा है। रोल का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है, और इसको इतना ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि रोल में फिल करेंगे और वो फ्राई ऑलरेडी उसके बाद होगा ही। अब जो है हम समोसों का मिक्सचर रेडी करेंगे, और उसके लिए हमें पोटैटोस चाहिए बॉयल, उसके बाद चिकन जो है वो भी बॉयल, और रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड धनिया पाउडर, इन सब चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे, और उसके बाद चिकन को ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करना है। हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना है। और हाँ, एक इंग्रेडिएंट जो कि है अनारदाना, वो तो भूल गई थी बताना, तो वो भी ऐड करना है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं। सो अब मिक्सर रेडी हो चुका है दोनों, और अब हमने मैदे का जो है पेस्ट बना लेना है ताकि इनसे अच्छे से वो जो समोसे हैं और रोल हैं वो जुड़े। और ये मैं समोसे बनाना स्टार्ट कर लिया है। तो
तो समोसे बन चुके हैं, और जो मिक्सर बचा है वो मैंने रख दिया था बाद में बनाने के लिए, और इसको मैंने रैपिंग शीट में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। और अब हम लोग बनाते हैं रोल, और उस सबसे पहले जो है रोल की पट्टियाँ अलग करके रख दी ताकि ईज़िली जब मैं बनाना स्टार्ट करूँ तो मेरे लिए ईजी रहे। सबसे पहले जो है पट्टी है उसके ऊपर आपने जो मैदे का बटर है वो लगाना है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, और उसके बीच में ये ऐसे ऐड करना है और साइडों से इसको बंद कर देना है ताकि वो बाहर जो आपका मिक्सचर है वो ना निकले, और ऐसे फोल्ड करके तो राउंड में आपके बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत लोग मुझे कहे थे कि इनके जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं और तो शेप अच्छी नहीं आती, तो ये इसका ईजी मैथड है। अभी मैं आगे आपको प्रॉपर करके दिखाती हूँ। एक आपने पट्टी लेनी है और इसकी साइडों पे अच्छे से जो मैदे का बटर है वो लगाना है ताकि जब आप फोल्ड करो तो वो अच्छे से चिपक जाए, खुले ना जब फ्राई करते हो। सो ये मैंने लगा दिया है इसका मैदे का, और ये बीच में मैंने जो है सारा मिक्सचर वो रखा है, और साइडों से ऐसे फोल्ड करना है ताकि आपका जो मिक्सचर है वो फ्राई करते हुए बाहर ना जाए, और ऐसे आप पकड़ के इसको रोल करना है, और इस तरह बहुत अच्छे से रोल बनते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। तो ये रोल तैयार हो चुके हैं, और ये अभी मैंने आधे बनाए थे, अभी मिक्सचर काफ़ी रहता था, सो मैं सारे बनाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद जो है आप जो सारे रोल बन चुके हैं, और अब इसको मैं रैपिंग जो शीट होती है उसमें रैप करके, और प्लेट में मैंने रख दिए थे और इसके ऊपर मैंने रैपिंग शीट लगा के फिर उसके ऊपर एक और दफ़ा मैं जो रोल का वो है लेयर वो रखूँगी ताकि फिर ये इजीली एक ही बर्तन में रहे। ये जो हमारे रोल तैयार हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इनकी शेप है, और कोई भी इस तरह सॉफ्ट और इस तरह नरम वाले नहीं है, और ये फ्राई होंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे, वो भी मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ। और ये समोसे भी तैयार हो चुके हैं, अब मैं इनको फ्रीज़ करूँगी रैप करके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत ईजी है और क्विक बनने वाले हैं, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने जो बनाए थे तो कैसे बने थे। सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।